तो मुद्दा क्या रहने वाला है आपका इस बार चुनाव में? मुद्दा है कि भारतीय बोल रही हूँ इधर कुछ मुद्दा उद्दा है कि मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुद्दा आपका कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे दिक्कत होती है तो सरकार को उम्मीदें हैं कि अगर हम चीजों को वोट दें या हमारी मांग सरकार सुन ले तो शायद जीवन हमारी बेहतर हो, ऐसा कुछ है मुद्दा होता है खेती में? ऐसा कहाँ कुछ है, खेती में कोई दिक्कत नहीं है आपको? सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? कोई फसल वसल का दाम सही से मिल जा रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और इस समय गर्मी में का मौसम है और गर्मी के मौसम में तापमान काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। 40 से 42 डिग्री तक राज्य की राजधानी यानी बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों तापमान दर्ज किया गया है बीते कुछ दिनों में। वहीं बढ़ते तापमान के बीच धीरे धीरे सियासी गर्मी भी तेज हो चुकी है क्योंकि चुनावी साल है और लोकसभा का चुनाव है और पटना में भले ही आखिरी चरण में चुनाव है लेकिन धीरे धीरे चाहे वो खेत हो, खेत में गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई के दौरान भी, गेहूं कटाई के साथ चुनावी चर्चा परिचर्चा भी हो रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना थोड़े लोग किसानों से बात किया जाए और इस बार क्या कुछ रहने वाला है इनके नज़र में चुनावी मुद्दे और किन मुद्दों को लेके करेंगे ये मतदान। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, क्या नाम है सर? परमानंद राम। कहाँ से है परमानंद जी? मोहनपुर दोगरा से। मोहनपुर दोगरा मतलब पाटलिपुत्र बीटा इलाके से? बीटा इलाके से। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे? मीसा भारती के करेंगे। मीसा भारती को करिएगा? काहे मीसा भारती को ही? अच्छा भाई आइए थोड़ा सा दे रही है, मतलब वजह क्या, कुछ मुद्दा क्या है, कुछ सोच के मीसा भारती को करेंगे या मतलब आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इसके चलते या क्या? ताल्लुक रखते हैं उससे। अच्छा, तो मीसा भारती को ही वोटिंग करिएगा। राम कृपाल यादव में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं उसका भी। फिर तो वोटिंग क्यों नहीं? इधर ज्यादा मीसा भारती इधर वोटिंग चलता है। अच्छा, इधर मीसा भारती को वोटिंग चलता है। तो मुद्दा क्या रहने वाला है आपका इस बार चुनाव में? मुद्दा है कि मीसा भारती वोटिंग होगी इधर। कुछ मुद्दा उद्दा है कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं? मुद्दा आपका कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे दिक्कत होती है तो सरकार को उम्मीदें हैं कि अगर हम चीज़ों को वोट दें या हमारी मांग सरकार सुन ले तो शायद जीवन हमारी बेहतर हो, ऐसा कुछ है मुद्दा होता है खेती में? ऐसा कहाँ कुछ है, खेती में कोई दिक्कत नहीं है आपको? सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई फसल वसल का दाम सही से मिल जा रहा है? मिल जा रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मतलब खुश हैं? तो फिर जब खुश हैं तो अब चूंकि तो फिर भाजपा को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं, एनडीए को क्यों नहीं दे रहे हैं, मीसा भारती को क्यों दे रहे हैं? इधर ना सब मीसा भारती के देता है तो चलता है, हम लोग देते हैं मीसा भारती के। अच्छा, आप हरिजन हैं? हरिजन है। तो हरिजन तो भाई बसपा के भी खड़े होंगे तो बसपा को क्यों नहीं दे रहे हैं? भाजपा के देंगे जब हरिजन बसपा बसपा भाजपा दम जाना भाजपा नहीं भाजपा नहीं बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन के लोग नहीं बहुजन से भी तो प्रत्याशी खड़े हुए होंगे। कहाँ खा रहा है अभी तो मान लीजिए टाइम है शायद घोषणाएं हो जाए एक दो दिन में प्रत्याशियों तो उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? कहाँ देंगे, देंगे उसी का। अगर बहुजन खड़ा हो जाएगा तो बहुजन को देंगे, देंगे। अगर बहुजन नहीं खड़ा होगा तो फिर राजद को देंगे, तो भाजपा को नहीं देंगे? भाजपा को कहीं नहीं देंगे? महंगाई भाजपा महंगाई कितना ला दी है बताइए। अच्छा, हर चीज में बताइए क्या किया आप, तो आप ही बताइएगा ना, आप बढ़िया से बताइएगा, आप चीजों को देख रहे हैं तो आप बेहतर बताइएगा। महंगाई बढ़ा दिया है, महंगाई तो ये मिलता है आपको राशन मिलता है तो राशन तो दे, राशन ही पर तो मुद्दा बनाए हुए हैं पूरा राशन 5 किलो राशन हर महीना खा रहा आदमी राशन में लगता नहीं, राशन मुद्दा नहीं होगा, राशन उशन पर नहीं लोग वोट देगा आपके क्षेत्र में? लगाव ग्राम में नहीं जी, राशन का वोट देगा? नहीं राशन पर नहीं देगा। स्वास्थ्य कार्ड बना है कि नहीं आपका? स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया है आप खुद नहीं बनाए? तो बनवा लेना चाहिए, वोट जिसको देना हो दीजिए लेकिन सरकार दे रही है लाभ तो ले ही लेना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, घर में रोग रोग के किस तरह की बीमारी होता है घर तो पैसा वैसा का मतलब मुफ्त हो जाता है इलाज, तो नहीं लगता है कि वो सब चीज़ें बनवानी चाहिए आपको? सम्मान निधि का पैसा मिलता है? नहीं आपको नहीं मिलता है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए तो राशन लग नहीं रहेगा इस बार, राशन मुद्दा रहने वाला है? नहीं राशन मुद्दा नहीं रहेगा। अच्छा, उज्ज्वला उज्ज्वला गैस वैस? गैस वैस कहाँ मिला है? नहीं मिला है इसीलिए नाराज है क्या? उठ दिन सोच रहे हैं कहाँ मिला है, कभी नहीं मिला गैस इसीलिए नाराज है? नहीं और जगह तो कहा जा रहा है कि मिला है सब जगह, आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, हमारे गाँव में बहुत नहीं मिला है, अभी गाँव में बहुत लोगों को नहीं मिला, गैस नहीं मिला है किसी को? नहीं मिला है। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य भी जो है ये जो है जो जांच है क्या बोलते हैं जन सम्मान निधि का पैसा गांव में और लोगों को मिलता है कि नहीं? नहीं आपके मतलब आपके समाज में नहीं।
या जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है हेल्थ कार्ड, वो गांव में और लोगों को है कि नहीं? है बहुत नहीं है, बहुत का नहीं है। लेकिन इस बार है कि अगर बसपा से कोई आएगा तो बसपा को दीजिएगा, नहीं तो RJD को दीजिएगा, भाजपा को नहीं दीजिएगा। भाजपा को कभी वोट दिए हैं कि नहीं? वो पहले तो भाजपा के दिए। अच्छा, दो बार से भाजपा को ही दे रहे थे, इस बार नहीं देंगे? नहीं। कहे नाराज कहे हो गए इस बार? क्या फायदा है भाजपा से बताइए, फायदा किससे है? कहाँ फायदा है, सब चीज़ में तो महंगाई है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। अच्छा, तो भाजपा से फायदा नहीं है, तो किससे फायदा आपको, किससे फायदा किसान को, किससे फायदा लगता है? किसान को है तो किसी को, किसी से फायदा नहीं है। बिना मेहनत का कौन दे देगा, मेहनत करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मेहनत कर रहे तो उपजा रहे, खा रहे तो क्या फायदा है? किसी की भी सरकार हो, किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं जी। तो कोई मुद्दा आप लोग नहीं सोचते हैं, जैसे हर कोई का युवा अपना मुद्दा सोच रहा है कि नौकरी मिलेगा, महिलाओं का अपना मुद्दा है कि हमें मतलब रोजगार मिले, भी रोजगार की बात कर रही हैं या और तमाम चीज़ों को लेकर बात करें, तो किसान का भी अपना मुद्दा होना चाहिए। आपको लगता है कि मुद्दा आपका भी होना चाहिए, तो आपका कोई मुद्दा उद्दा नहीं है कि मांग नहीं है सरकार से? मांग कहाँ है, कुछ ही मांगे हम, क्या मांगे उनसे? मांगेंगे तभी ना, शायद जो भी सरकार बनेगी तो शायद पूरा करेगी। तो आपको कुछ मांग होंगे? है मांग में अभी कुछ नहीं है, मांग कुछ नहीं है। चलिए कुछ और एक दो और किसान हमारे बीच में हैं, इनसे ही बात करेंगे कि इस बार क्या देखते हैं चुनावी मुद्दे में, क्या रहने वाला सर चुनावी मुद्दा? भाजपा। तो भाजपा ही क्यों? चूंकि पाटलिपुत्रा ही संसदीय क्षेत्र है और रामकृपाल यादव और मीसा भारती, राजद से मीसा भारती हैं और रामकृपाल यादव NDS के प्रत्याशी, तो वजह क्या है? किसानों का कोई मुद्दा रहने वाला है कि किसान अभी भी पार्टी को ही देख के वोट करेगा? मुद्दा क्या है, पार्टी को देख ही के वोट देता है लोग, जो दे रहा है लोग वही देगा। अच्छा, किसानों का कोई मुद्दा नहीं है? किसानों का क्या मुद्दा है, रोड बन रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आवाज़ उठा रहा है तो शांत हो जा रहा है, पुलिस आ रहा है शांत कर दे रहा है, तो क्या मुद्दा क्या बनाएगा? मुद्दा बनाने से कोई फायदा है? फायदा नहीं लगता है। पुलिस आएगा बिला देगा तो मुद्दा बोलते बोलते मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो सांसद जी कभी आए हैं सड़क जो नहीं, आज तक तो नहीं आए हैं। अच्छा, रोड वाला जब बन रहा था सुना था कि बड़े तो पैनाल में आए थे, कहाँ बिष्णुपुरा में नहीं आए। अच्छा, बिष्णुपुरा में नहीं आए, तो क्या हुआ, कुछ रहा? अभी तो सांसद जी कुछ दिए रामकृपाल यादव, मतलब बताए कि आश्वासन दिए कि नहीं, तो हम तो गए नहीं थे उस दिन, कुछ जानकारी तो क्षेत्र में मिली होंगे? हाँ, बोले कि कुछ होगा, बढ़ेगा बात आगे पीछे। अच्छा, तो मुद्दा कोई नहीं रहने वाला है, बिना मुद्दा कहीं आप लोग पार्टी से ही जुड़ के वोट करिएगा, किसानों का कोई मुद्दा नहीं है? क्या मुद्दा रहेगा किसान का, मुद्दा ही नहीं है। क्या रहने वाला है मुद्दा सर, नाम क्या है? हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, क्या मुद्दा सोच के या क्या किन मांगों को लेके आप आपका मतदान वोटिंग करेंगे? हम लोग देखिए सर, मांग के लेके मतदान नहीं कर रहे हैं, राम कृपाल जी हम लोग से जुड़े हुए नेता हैं, 5 साल से सांसद है, 5 साल से हम लोग के बीच में कोई फंक्शन में बुलाइए, जब बुलाइए तब बेचारे हाजिर रहते हैं, अपने नहीं आएंगे, अपने लड़का को भेज देंगे, लेकिन बिना आए हुए कोई नहीं रहता, उनके परिवार से कोई ना कोई हमारे यहाँ उपस्थित जरूर होगा, चाहे कोई इन्वाइट करे उनको। तो मीसा भारती भी लंबे समय से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके यहाँ भी न्योता देते आते कि नहीं है? जी नहीं है, हम लोग के बीच में कभी नहीं आते हैं, हम लोग के गाँव में खास करके नहीं आते, हम लोग भाई राजपूत के गाँव है, हम लोग के गाँव में ज्यादा लोग तो खास करके नहीं आते हैं, लोग यादव है ज्यादा है, लेकिन उनका सोच अलग है, इनका सोच अलग है, मीसा भारती नहीं आते हैं, कभी न्योता दिए हैं? क्यों दें, आपको जब आना ही नहीं है तो हम न्योता देके क्या करेंगे? अच्छा, रामकृपाल जी को जब बुलाते हैं तब हाजिर रहते हैं। तो चूंकि वोटर हैं और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप किसे वोट देंगे, क्या करेंगे, वो आपका हक है, आप अपना दीजिए, लेकिन क्या लगता है कि बिहार में के किसानों के लिए कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको कोई भी सरकार बने, जो नई सरकार बनेगी उसको पूरा करने की ज़रूरत होगी, ऐसा कुछ मुद्दा या ऐसी कुछ मांगे हैं आप लोग की कि आप लोग मुद्दा न देख के आप लोग किन मुद्दों को देख के वोट करिएगा? तब हम लोग मुद्दा नहीं सर, सनातन से हम लोग जुड़े हुए हैं, सनातन के जहाँ रक्षा होगा वहाँ हम लोग सनातन जोन पार्टी के रक्षा करेगा, सनातन की गाली गलौज नहीं करेगा, हम उस पार्टी को वोट देंगे कि यह गाली गलौज देने वाले, हमने धर्म की गाली देगा तो हम कायला वोट करेंगे उस आदमी को, हम लोग किसान के मुद्दा क्या देगा, सरकार क्या हम लोग को देगा, न समय पर बीज मिलता है, न समय पर ब्लॉक से कुछ मिलता है, तो फिर किसान का मुद्दा क्या रहेगा?
किसान का मुद्दा कुछ नहीं है, मतलब ये है कि आपका जो सनातन है तमाम चीजों का सर ब्लॉक में जाना ही छोड़ दिए। किसान का, किसान के प्रति सरकार का ये रवैया है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे राजद का हो, चाहे किसी का हो, ये रवैया है कि समय पर घोषणा हो जाता है कि ये ऑनलाइन बीज की दीजिए, दो बार फार्म भरे, ऑनलाइन धान में भी भरे, गेहूँ में भी भरे, मूँग का भी भरे, आवेदन के 10 के 10 कहा स्टॉक नहीं है, बीज नहीं देंगे, चंद लोगों को मिला, चंद बाकी लोगों का आवेदन निरस्त हो गया। यही कहानी है। तो मुद्दा किसी भी पार्टी का हो, जो आपके सनातनी आए, आपके धर्म की जो बातें करेगा, आप उसको उठ जी कहानी है जी। तो जी हाँ, ये है बिहार के किसान और बिहार के पाटलिपुत्रा क्षेत्र के किसान हैं, संसदीय क्षेत्र के किसान हैं, विष्णुपुरा, साथ ही साथ आसपास का जो इलाका है, बिहटा का इलाका है, बिहटा के ही हम सिवान में थे, तो किसानों से बात करने का प्रयास किया कि आखिर मुद्दा क्या रहने वाला है किसानों का वोट को लेके। आखिरी चरण में मतदान होने वाले हैं, यहाँ पे 1 जून को यहाँ मतदान होंगे, 4 जून को गिनती होगा, लेकिन उन तमाम जो अभी मतदान होने हैं उससे पहले किसान तक, किसानों के बीच पहुंच रहा है और समझ रहा है कि आखिर बिहार के किसानों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे। लेकिन 3 लोग मिले और तीनों किसान का अपना अलग अलग पक्ष रहा, हर लोगों ने अपना अपना पक्ष दिया। किसी ने कहा कि जो भी आएगा भाजपा को वोट नहीं देना है, तो किसी ने कहा कि जो हमारे समाज, हमारे सनातनी व्यवस्था, सनातन धर्म को लेके बात करेगा, हम मतदान उसको करेंगे। मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों के बीच से हटता हुआ नज़र आया और जिन मुद्दों को लेके हर कोई, अपना युवा हो, हर वर्ग हो, अपना अपना कोई ना कोई मुद्दा है, मांग है, उन मुद्दों और मांगों में शायद किसान अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में किसानों का जो संगठन या चीज़ें हैं थोड़ा सा कमज़ोर है। अब देखना होगा कि धीरे के समय के साथ क्या कुछ होगा, लेकिन कई किसानों से बात हुई जिसमें किसानों ने MSP से लेके मंडी कानून तमाम चीज़ों पे भी बात किया, लेकिन पटना से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ के किसानों ने अपनी अपने अनुसार अपना पक्ष रखा मतदान को लेके। और भी किसानों से मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ कहानियाँ चल रही हैं इस चुनावी समर में और इस बढ़ते तापमान के बीच चुनावी पारा और मतदाता का जो ग्राफ है वोट को लेके वो कितना बढ़ता है। तो अभी एक गुहार बस आप तमाम हमारे बिहार के वासियों से है, किसान तक के जरिए, कि आप के क्षेत्र में जब भी मतदान हो तो आप अपने क्षेत्र में जाइए, मतदान करिए, क्योंकि मतदान ही आपका अधिकार है और इस अधिकार के जरिए आप एक बेहतर सरकार का निर्माण कर सकते हैं। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोशिश में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए, आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है, यहाँ पर मुखिया सरपंच कोई भी है सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब जाया जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।